गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली वीडियो में आप सबको पता है हमने 3.4 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट किया था, हमने पहला ही पार्ट किया था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट। तो अभी आपके अपनी बुक को देखिए, क्वेश्चन नंबर रीड करते हैं हम फर्स्ट का बी पार्ट। ऑल रोम्बस रोम्बसिस आर पैरेललोग्राम्स। इसने कहा है जितनी भी रोम्बस हैं वो सारे पैरेललोग्राम होती हैं। तो वैसे तो इसके सभी पार्ट्स में हम एच तक बात करें तो हमें ट्रू फॉल्स बताने हैं। भाई स्टेट का मतलब होता है बता दो ट्रू है या फॉल्स है। इसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि इसके रीजन बताओ, लेकिन अगर रीजन करके सॉल्व करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा रिविजन में। मान लो आप तो इसने नहीं पूछा, लेकिन कई बार क्या होता है हम एग्जाम टाइम में है ना पूछ लेते हैं गिव रीजन या राइट रीजन या वाई। तो ऐसे पॉइंट्स कमेंट के लिए फिर आप क्या करोगे। तो अगर आपको अगर समझ में ठीक आया हुआ है तो आप कुछ रीजन लिख सकते हो, इसीलिए आपको ये रीजन लिखवाए जा रहे हैं। तो देखिए इसके अंदर बी पार्ट में आता है ऑल रोम्बसिस आर पैरेललोग्राम। तो देखो रोम्बस तो आपने ऐसे बना दी, ये तो बन गया आपकी रोम्बस। बिल्कुल अच्छे से समझना है पॉइंट को। और एक है पैरेललोग्राम, यह आपने ले लिया है, मैंने सिंबल लगा दिया है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। यहां पर है पैरेललोग्राम, तो ये है रोम्बस और ये पैरेललोग्राम। क्वेश्चन में कहा है कि ऑल रोम्बस इज आर पैरेललोग्राम, ठीक है भाई, जितने भी रोम्बस हैं सब पैरेललोग्राम है। क्यों? क्योंकि रोम्बस पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टी रोम्बस के अंदर है। तो इसमें हम थोड़ा लिख सकते हैं इसके अंदर कि इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, वेयर एज इन रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल। इन पैरेललोग्राम या आपका ट्रू आ गया, और ट्रू का रीजन बताते जा रहा हूं। इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, वेयर एज इन रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल, वेयर एज इन रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल। ये इस तरीके। I hope that you have got very well. Now we are going to proceed in the next part. Next part करने जा रहे हैं जिसका ये मैंने erase कर दिया, टू लिख दिया, इसके रीजन बता दिया आपको। अब पार्ट नंबर आता है सी। इस क्वेश्चन का सी पार्ट कैसे करेंगे देखिए। पार्ट नंबर कर रहे हैं सी पार्ट। सी पार्ट को रीड करता हूं मैं। हाँ जी, सी पार्ट में आता है हमारा ऑल स्केयर्स आर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल्स। कहते जितने भी स्केयर्स हैं वो रोम्बस भी हैं और रेक्टेंगल्स भी हैं। तो ये ट्रू है। देखिए स्केयर बनाओ, रोम्बस बनाओ, रेक्टेंगल बनाओ। स्केयर बनाने का नाम स्केयर, स्केयर बना दिया आपने। ये देखो ये है स्केयर की फॉर्मेशन, इस तरह से स्केयर बना दिया, ये स्केयर बन चुका था। और इसमें आ गए, ये पूरी स्केयर की फिगर है, आप सुनते हैं पर स्केयर स्केयर। और दूसरी जो फिगर है वो यहां बना लेते हैं रोम्बस की, ये बना के रोम्बस साइड है, इसमें भी इक्वल है, नो डाउट, ठीक है ना। ये आपका हो गया रोम्बस, ये हो गया रोम्बस R H O N C D हो गया, और एक हो गया आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ये है रेक्टेंगल, ये हो गया आपका रेक्टेंगल। और एक इसकी रेक्टेंगल फॉर्मेशन, नाम डालो कोई भी, ए बी सी नाम डालना चाहिए,
कर सकते हैं, पी क्यू आर एस एल एम एन एल एम एन जी, कोई भी नाम ला। समझने के लिए इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, सारी बात क्लियर हो जाएंगी। कहता है ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल, जो स्क्वायर है कहता है वो रोम्बस भी है और रेक्टेंगल भी है। इसका मतलब स्क्वायर के अंदर रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी इंक्लूड है और रेक्टेंगल की भी सारी प्रॉपर्टी इंक्लूड है, ठीक है जी। तो आप इसमें ऐसा लिख सकते हैं कि ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस एंड रेक्टेंगल्स आर इंक्लूड इन स्क्वायर, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस एंड स्क्वायर, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस एंड स्क्वायर आर इंक्लूड इन स्क्वायर आर इंक्लूड इन स्क्वायर, स्क्वायर में इंक्लूड है ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस, रोम्बस की जो प्रॉपर्टीज है, जो डेफिनेशन है, और इसकी ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस एंड बल्कि रेक्टेंगल, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस एंड रेक्टेंगल आर इंक्लूड इन स्क्वायर, स्क्वायर में इंक्लूड। तो आपको पता है रोम्बस में चारों साइड इक्वल है, स्क्वायर में चारों साइड इक्वल है। अच्छा, इसमें रेक्टेंगल में अपोजिट साइड सारी इक्वल, इसमें सारी इक्वल है, ईच एंगल 90 डिग्री हो तो इसमें भी है। तो आप ये बात इसमें क्लियर हो जाती है, आई होप दैट यू हैव गॉट इट वेल, ये भी आपका हो चुका, समझ गए ना। अब इसमें क्या करेंगे, अब नेक्स्ट में आते हैं, रेजिस्टेंस। अब पार्ट नंबर आपका आता है नेक्स्ट, डी पार्ट देखते हैं, डी पार्ट। तो ये आपका आ गया था क्यू, आपने जो पार्ट है वो आपका टू में है, हाँ जी, सी पार्ट आपका टू में है, टू में क्या और ट्रू क्यों है, इसके डायग्राम बना दिए, समझा दिया गया ट्रू पार्ट में, तो पार्ट नंबर डी पार्ट में, डी पार्ट। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, कहता है जितनी स्क्वायर्स हैं वो पैरेललोग्राम नहीं है, तो ये तो फॉल्स है, इसको लिखेंगे हम फॉल्स है, क्योंकि स्क्वायर तो पैरेललोग्राम होते हैं। तो आप इसके अंदर देखिए स्क्वायर बना, वही बात है, चीजें सारे चीज वही घुमा फिरा के आई हुई है, समझ गए ना। अब आपने नाम डाल दिया इसके अंदर, ये तो हो गया स्क्वायर, ये तो हमने बना दी स्क्वायर की फिगर, स्क्वायर की बन गया। तो स्क्वायर में इस तरह भी दिखाया था, पूरा कंप्लीट दिखा दिया आपने, ये हो गया स्क्वायर, लिख भी दिया इसको स्क्वायर, और साइड में बना दो पैरेललोग्राम, और ये आपका हो गया पैरेललोग्राम, ये बना दिया आपने पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पैरेललोग्राम इस तरह इंडिकेशन आपने दे दिया, इस तरह का इंडिकेशन पैरोग्राम आपने दे दिया, पॉइंट नंबर जो भी है आपका, और लिख एम लिख लो जो आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, इसने कहा है ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, स्क्वायर्स जो है वो पैरेललोग्राम नहीं है, इसको बोल रही है फॉल्स, ये कहता नहीं है, जबकि पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर के अंदर आती है, इसमें फॉल्स है, बिकॉज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम इंक्लूड इन स्क्वायर, बिकॉज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम इंक्लूड इन स्क्वायर, स्क्वायर में इंक्लूड है, क्या भाई इसमें अपोजिट साइड इक्वल है और पैरेलल है, इसमें सारी साइड इक्वल है और अपोजिट तो पैरेलल है ही है, तो ये है इसके अंदर पैरेलल क्या है, दैट इज इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड सारी इक्वल इन
पैरोग्राम अपोजिट साइड्स के, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड वेयर एज All sides are in square. In square, all sides are equal. All sides equal है. And opposite sides are parallel. Opposite sides are और अपोजिट साइड से हो, ये आपका एक्सप्लेनेशन उसका इसका क्वेश्चन के हिसाब से. तो खाली ये बताओ, हमने पूरा इसलिए बताया कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप अपना एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं. इस तरह से था तो क्वेश्चन नंबर हो गया डी भी हो गया. अब पार्ट होते ए में, सभी पार्ट ऐसे ही इसके भी पार्ट होते गणेश को इरेज इरेज करते हैं. ई पार्ट में क्या है क्वेश्चन में कहा गया है. बुक में देखिए, ऑल काइट्स आर रोम्बस, जितनी भी काइट है वो रोम्बस है, ऐसा है ही नहीं. होल्स है, होल्स है. तो काइट की अगर बात करें तो इस तरह फॉर्मेशन मिलती है काइट. ये इसके और ये काइट की फॉर्मेशन काइट समझ गए. और रोम्बस की ये बनती है, रोम्बस की आपकी ये बनती है, इसमें सारी समझ गए ना. ये तो इसमें आ जाएगा फॉल्स. यहाँ पर हम लिख देंगे ऑल काइट्स आर रोम्बस, तो फॉल्स लिख दिया. बिकॉज बिकॉज इन काइट्स All sides are equal. Because in rhombus, all sides are equal. All sides are equal. सारी साइड इक्वल होती हैं. Whereas only two pairs of adjacent equal sides in kite. Whereas only two pairs of equal adjacent sides, equal longitude, equal longitude, equal distinct conjugacy, distinct तो आपने देखा इसमें तो दो पैर इक्वल साइड्स के हैं, ठीक है जी. उनकी लेंथ इन दोनों की सेम है, इसमें सभी की सेम होती है. तो इसका मोटा डिफरेंस है आपको बता दिया, इसलिए फर्स्ट ए पार्ट आपका हो चुका. ऐसे सब बाकी कुछ भी निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है. एफ पार्ट देखिए, इसका एफ पार्ट क्या है, एफ पार्ट कितना आपको मैं इरेज कर देता हूँ. उसको मैं एफ पार्ट एफ पार्ट करवाने जा रहे हैं हम. तो एफ पार्ट करवाने से पहले इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे. डियर स्टूडेंट्स, इसमें इतना ही काफ़ी. थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे.